पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी के खिलाफ कई महीनों से अलग अलग संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज पंडित जेएन कॉलेज के छात्रों ने अनशनकारी और अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रदर्शन किया और इंजीनियर हनुमान प्रसाद को ईमानदार बताया। करीब दर्जन भर छात्रों ने आज अधिशासी अभियंता अमर सिंह राठौर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कुछ पेड पत्रकारों के माध्यम से आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अनशन कर रहे यूथ गैंग फॉर जस्टिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को ब्लैकमेलर बताया और कहा कि नगर पालिका सदस्य रहते हुए उन्होंने अकूत धन संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि हनुमान प्रसाद बाना में 10 वर्षों से कार्यरत हैं। आज तक उनके खिलाफ एक भी मामला भ्रष्टाचार का नहीं है और न ही इनके खिलाफ कोई जांच हुई है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में सुरेश वर्मा, मोहित गुप्ता, अमित द्विवेदी, अभय यादव, गौरव, शुभम सिंह सहित दर्जन भर से ज्यादा छात्र शामिल रहे। हम हनुमान प्रसाद को ईमानदार अधिकारी इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से जब से बांदा में वो कार्यरत थे तब से उनके खिलाफ एक भी जांच नहीं हुई। डिग्री कॉलेज का छात्र पीडब्ल्यू में क्या कर रहा था? ये जिला प्रशासन की लापरवाही की जाँच नहीं कर रही। एक मिनट रुकिए, पीडब्ल्यूडी में डिग्री कॉलेज छात्र क्या कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी में डिग्री कॉलेज के छात्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये आज मीडिया में चल रहा है तो इसको हम लोगों ने संज्ञान लिया है और हमारे मैनेज करने की भी बात आपने कही है। कुछ मीडिया के लोग मैनेज करने की बात कर रहे हैं। कुछ पेड मीडिया के लोग हैं जो हमारे संज्ञान में आए, उन्होंने रुपये की मांग की है। किससे? कल तो हम ही से कह रहे थे, दो तीन लोग। अच्छा, क्या कह रहे थे ये लोग? कह रहे थे कि कुछ मैनेज करवाइए अगर आपके संपर्क हो, जो कि हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी को हम जानते भी नहीं है कि कौन है। फिर कैसे कह रहे हैं कि ईमानदार है? तो जैसा कि हम लोग देखे हैं, उनका रिकॉर्ड सुने हैं, कि ठेकेदारों के मुंह से सुने हैं। आपको पता है लाखों का गबन है, कई जेल में